हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप जो अभी मेरे पीछे देख रहे हैं, ये स्कॉटिश पार्लियामेंट है। ये भी बिल्डिंग मेरे अकोमोडेशन से 3-4 मिनट दूर थी, और मेरे को अब पता चला, मैं ऐसे इधर उधर घूम रहा था और मैंने देखा अरे पास में तो स्कॉटिश पार्लियामेंट है, तो मैंने सोचा आपको वीडियो में दिखाया जाए। बट आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन होता है स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज दे यूजली आस्क कि अगर यूके में पढ़ने आना है तो आइल्स चाहिए होगा क्या नहीं। ठीक है, तो बात ऐसी है कि अगर आप यूके वीज़ा जो होता है स्टूडेंट वीज़ा, उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके देखो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स में, तो वीज़ा की वेबसाइट पे तो आइल्स का कहीं नाम भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, वहाँ पे एक स्केल दिखाया हुआ है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। एंड बात रही यूनिवर्सिटी एडमिशन की, तो हर यूनिवर्सिटी में तो नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की एग्जेम्पशन होती है। उनकी अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, जैसे कि जो मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा है उसकी वेबसाइट मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, एंड वहाँ पे उन्होंने हर कंट्री में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अगर आपने वहाँ से पढ़ाई करी है तो आपका जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट का जो टेस्ट होता है वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं, जो कि आइल्स होता है या फिर और कोई एग्ज़ाम जो आप लेते हैं लैंग्वेज का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो अपनी जो आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो उसकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में जाना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक पेज होगा वहाँ पर जाना है। वहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि कंट्रीज़ की लिस्ट है जहाँ पे अगर आपने वहाँ से पढ़ाई करी है तो आपको आइल्स नहीं देना, तो वो पेज खोल के देखो एंड वहाँ पे देखो आपकी कंट्री लिस्टेड है कि नहीं, और अगर है तो वहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो मेंशन है कि नहीं। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ाई करी थी, एंड एडिनबरा में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आइल्स की एग्जेम्पशन है। इस चीज़ का मुझे पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बट हुआ क्या था कि जब मेरे को एडमिशन लेना था या बाहर आने के लिए, तो मेरे को 2019 में आइल्स लेना पड़ा था, क्योंकि मैं 2020 में आने का प्लान कर रहा था, बट 2020 में कोविड आ गया तो मेरे को अपना एडमिशन कैंसिल कराना पड़ा। फिर मैंने 2021 का प्लान करा बाहर आने का, बट हुआ क्या कि जब तक मेरे को यहाँ पर आना था तब तक मेरा 2019 का आइल्स का स्कोर एक्सपायर हो रहा था। तो इवन दो मैंने आइल्स दिया था, मेरा 7.5 स्कोर भी आया था, बट बिकॉज वो स्कोर एक्सपायर हो रहा था तो मैं सोच रहा था कि शायद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए जहाँ दोबारा आइल्स ना देना पड़े, बिकॉज मेरा मन नहीं था दोबारा देने का, एक बार मैं दे चुका था। और मैं सोच रहा था कि अगर एग्जेम्पशन मिल सकती है तो क्यों ना उसको अवेल करा जाए। तो हुआ क्या कि मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा एडिनबरा में, मेरी कंसल्टेंट ने बोला कि जो मेरा आइल्स का स्कोर है वो एप्लीकेशन के टाइम वैलिड है, बट मेरा एडिनबरा में आने से पहले वो एक्सपायर हो जाएगा, बट सिंस वो एप्लीकेशन के टाइम वैलिड है काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जेम्पशन भी अवेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एग्जिस्टिंग जो मेरा आइल्स स्कोर है उससे अप्लाई कर देते हैं। तो हुआ क्या, मैंने अपने स्कोर के साथ अप्लाई करा, आइल्स के स्कोर के साथ जो कि एप्लीकेशन के टाइम वैलिड था, बट वो एक्सपायर होने वाला था जब मैं यहाँ पर आता, बट मेरे को अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल गया। ठीक है, अब अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर का मतलब क्या होता है कि जो भी कंडीशंस थी ऑफ़र लेटर की वो आपने फुलफ़िल कर दी हैं, आपको और किसी चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा सही है, मेरा तो इस आइल्स के बेसिस पर एडमिशन हो गया। बट जब कैस लेने की बारी आई, कैस की फुल फॉर्म होती है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, तो जब कैस लेने की बारी आई तो उन्होंने बोला कि हम आपको कैस नहीं दे सकते हैं बिकॉज आपका जो आइल्स स्कोर है वो तो वैलिड नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई उससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, अगर अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आपके पास है तो आपको कैस मिलेगा, अगर आपने डिपॉजिट वगैरह पे कर दिया है, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आपके पास है तो आपको कैस देना ही पड़ेगा, उसका कोई वो नहीं है। तो फिर उन्होंने अपना बैकग्राउंड चेक करा, उन्होंने बोला सॉरी हमारी गलती है, आपको कैश मिलेगा, एक्चुअली जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो एग्जेम्प्ट हो रखी है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट से, तो हमें आपका आइल्स चाहिए ही नहीं था। तो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, तो इवन दो मेरे को पता नहीं था कि मैं वो एग्जेम्पशन अवेल कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में मेरा आइल्स स्कोर उन्होंने कंसिडर करा ही नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने पढ़ाई करी थी तो उन्होंने मेरे को एग्जेम्प्ट कर दिया लैंग्वेज रिक्वायरमेंट से। तो ऐसे एक तरह से मैं यहाँ पे बिना आइल्स दिए पढ़ रहा हूँ वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपको लैंग्वेज की एग्जेम्पशन मिल रही है तो वो सिर्फ लो रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में ही मिलेगी, पहली तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी बात आती है कि
क्या वीज़ा मिलेगा अगर आपने आइल्स नहीं दिया तो? तो देखो, अगर आप UKVI की वेबसाइट पे जाओ एंड वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट पढ़ो, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका एक स्केल होता है CEFR करके, जो कि लेवल B2 में आपको अचीव करना पड़ता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। अब अगर आप CEFR लेवल B2 कंपेयर करते हो आइल्स के स्कोर के साथ, तो वो होता है 5.5। तो एनी वे, अगर आपको यहाँ पे आना तो आपका आइल्स का स्कोर मिनिमम 5.5 होना चाहिए। बट वहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, अगर आपका हायर एजुकेशन प्रोवाइडर आपकी लैंग्वेज को एसेस कर लेता है, इन दैट केस आपको वीज़ा के टाइम कोई इंग्लिश का प्रूफ देने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपका लैंग्वेज टेस्ट एग्जेम्प्ट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस एजुकेशन, इसका मतलब आपकी यूनिवर्सिटी ने आपकी लैंग्वेज को खुद ही असेस कर लिया है। और जब आपका कैस आएगा तो वहाँ पे इंग्लिश का सबसे एंड में एक लाइन लिखी होती है कि उन्होंने आपकी लैंग्वेज असेस करी है एंड वो लेवल मिनिमम B2 को मीट करती है, ठीक है? तो उस लाइन से जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो गई एंड यूनिवर्सिटी ने आपका जो लैंग्वेज है वो खुद ही असेस कर लिया, तो आपको एडमिशन के टाइम भी आइल्स नहीं देना पड़ा। तो ना ही एडमिशन के टाइम आपको आइल्स देना पड़ेगा अगर यूनिवर्सिटी ने एग्जेम्प्ट कर दिया, और अगर कैश पे उन्होंने लिख दिया कि आप लेवल B2 को क्रॉस करते हो, तो आपको वीज़ा के टाइम भी आइल्स नहीं देना पड़ेगा। तो इन अ वे आइल्स पूरा स्टोरी से ही निकल जाता है अगर आपका यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन प्रोवाइडर है एंड वो कैश पे लिख देती है कि आपका लेवल B2 क्रॉस हो रहा है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में, और उन्होंने आपका जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको असेस कर लिया है। तो इससे ये पता चलता है कि UK में आने के लिए आपको पहली बात तो आइल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी जो कंडीशंस है जो मैंने आपको समझाई हैं वो फुलफ़िल होती हैं। और दूसरी ये चीज़ है, अगर आपने आइल्स दिया था एंड वो एक्सपायर हो गया था, तो जैसे कि मैंने आपको अपनी सिचुएशन बताई, एक्सपायर्ड आइल्स नहीं चलेगा। अगर आपको यहाँ पर आना है आइल्स के स्कोर के साथ, तो आपका आइल्स स्कोर तब तक वैलिड होना चाहिए जब तक आप यहाँ पर लैंड करते हो, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्लीकेशन के टाइम वो वैलिड था एंड जब आप अप्लाई कर रहे हो, जब आप यहाँ पे आ रहे हो, तो वो एक्सपायर हो चुका। बिकॉज आई थिंक ये काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ इशू हुआ होगा जिन्होंने थोड़े टाइम पहले आइल्स दिया था बट कोविड की वजह से उनके प्लान कैंसिल हो गए एंड अब वो नेक्स्ट ईयर जाएंगे, तो उनके लिए भी ये एक डाउट था जो मैंने क्लियर करा है। तो आई होप इसमें आपको सारी प्रोसेस समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या कहते हैं, ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके लिए आपको अपने एजेंट्स पे या एजुकेशन कंसल्टेंट्स पे डिपेंड करना हो। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे बहुत ही ज़्यादा क्लियरली ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो ये मत सोचना कि आपका एजेंट आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा, ठीक है? मेक अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ दैट यू वॉन्ट टू गेट इन टू, देन सर्च फॉर देयर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पेज एंड वहाँ पे देखो कि आइल्स एग्जेम्पशन है कि नहीं। तो यही पूरी वीडियो का टॉपिक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई रियली वांट टू अचीव 10,000 मार्क ऑफ सब्सक्राइबर्स, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कॉमेंट इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।